अर्जुन उवाच कथं भीष्म महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोच्यामि पूजार्हावरिसूदना। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्धभूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूज्य व्यक्तियों पर उलटकर बाण चलाऊंगा? तात्पर्य, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्माननीय व्यक्ति सदैव पूज्य हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर पलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाद युद्ध भी ना किया जाए। यहाँ तक कि कभी यदि वे रुद्ध व्यवहार भी करें तो भी उनके साथ रुक्ष व्यवहार ना किया जाए। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या श्री कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनि मुनि पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने श्री कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। युद्ध में तो ऐसा ही होता है, बाण चलते हैं और बाण कभी शत्रु, मित्र, पिता, गुरु कुछ नहीं देखता। बस बाण का तो लक्ष्य जो प्राप्त करना है वो करता है, और अर्जुन अभी इसी वजह से उलझे हुए हैं।